तो देखो भाई लोग, इस वीडियो के अंदर में उन 7 SUV कारों के बारे में डिटेल में बात करूंगा जो कि आज के डेट में पेट्रोल इंजन के साथ सबसे ज्यादा माइलेज दे देती है। लेकिन इससे पहले एक वीडियो मैंने रिलीज किया था जिसके अंदर मैंने सेडान कारों को इंक्लूड किया था, इसके अलावा हैचबैक कारों को इंक्लूड किया था और 2-3 SUV कारों को इंक्लूड किया था। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ SUV कारों के बारे में डिटेल में बात करूंगा जो कि आज के डेट में आपको सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इनमें से 2 कार ऐसी है जो कि आपको 28 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देने वाली है। जो सबसे पहले SUV कार आती है जिसको आप इस दिवाली या फिर आने वाले समय में खरीद सकते हैं, वो है मारुति सुजुकी की ब्रेजा। रिसेंटली इसका फेसलिफ्ट मॉडल इंडियन मार्केट में लॉन्च हुआ है और काफी बड़े अपडेट के साथ मारुति सुजुकी ने न्यू ब्रेजा को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया है और इसकी डिमांड भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और कार सेल्स रिपोर्ट में ये कार काफी बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर रही है। ब्रेजा फेसलिफ्ट मॉडल के अंदर अपडेटेड के सीरीज पेट्रोल इंजन ऑफर किया है मारुति सुजुकी ने और ये इंजन 104 BHP की पावर आउटपुट और 137 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस कर लेता है और न्यू ब्रेजा 18 किलोमीटर पर लीटर से लेकर 20 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे देती है। ये माइलेज क्लेम किया है एआरआई ने। इन रियलिटी लोगों को माइलेज कम भी मिलता होगा, ज्यादा भी मिलता होगा। ब्रेजा को अगर आपको परचेस करना है तो आपको देने पड़ेंगे 7,99,000 रुपीज और इसका टॉप मॉडल 13,96,000 रुपीज तक चला जाता है। लेकिन अगर आपका बजट 10 लाख के आसपास है तो आप इसका सेकेंड बेस मॉडल खरीद सकते हैं जो कि है VXI और इसके सेकेंड बेस मॉडल को खरीदने के लिए आपको देने पड़ेंगे 10,50,000 रुपीज। अगर आपका बजट 10 लाख के अंदर है और आपको ब्रेजा लेनी है तो आप इसका बेस मॉडल खरीद सकते हैं आराम से। जो सेकंड नंबर के SUV कार आती है जिसको आप खरीद सकते हैं वो है टाटा की नेक्सॉन। इस कार की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और ये इंडिया की मोस्ट सेलिंग SUV कार भी है। इसको सेफ्टी में 5-स्टार रेटिंग्स मिले हैं, इसके अंदर आपको अच्छा खासा कंफर्ट मिलने वाला है। ड्राइविंग के हिसाब से ये कार आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। इसका लुक भी बढ़िया है और इंटीरियर के फीचर्स आपको डेफिनेटली पसंद आने वाले है। तो 2022 में टाटा की नेक्सॉन एक परफेक्ट ऑप्शन आपके लिए साबित हो सकती है और इस कार के अंदर आपको पेट्रोल इंजन का ऑप्शन भी मिल जाएगा और ये कार डीजल इंजन के साथ भी आ जाती है। अगर नेक्सॉन के अंदर आपको पेट्रोल इंजन चाहिए तो आप ले सकते हैं इसका 1.2 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन और ये इंजन 120 BHP की पावर आउटपुट निकाल लेता है। टाटा नेक्सॉन लगभग 17 से लेकर 18 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे देती है और 10 लाख के बजट में आप इसका XM मॉडल खरीद सकते हैं। इस मॉडल को खरीदने के लिए आपको 9,69,000 रुपीज देने पड़ेंगे। ये मैंने ऑन रोड प्राइस बताई है और नेक्सॉन की कीमत स्टार्ट होती है 7,60,000 रुपीज से और इसका टॉप मॉडल 14,08,000 रुपीज तक चला जाता है। तो अगर आपको एक अच्छी कॉम्पैक्ट SUV कार लेनी है तो डेफिनेटली आप टाटा नेक्सॉन को कंसिडर कर सकते हैं। इसका लुक भी बढ़िया है, आपको अच्छा खासा कम्फर्ट मिलने वाला है और ये कार अच्छा खासा माइलेज दे देती है। तो मैं इस कार को 10 out of 10 points देना चाहूंगा। आप इस कार के साथ डेफिनेटली जा सकते हैं। लेकिन जो थर्ड नंबर की कार आती है जिसको आप कर सकते हैं वो है रेनॉल्ट की काइगर। ये भी एक सब 4 meter सेगमेंट वाली कॉम्पैक्ट SUV कार है, लेकिन जब आप इस कार को रोड पर देखोगे तो ये छोटी सी लगने वाली है, लेकिन इस कार का एक्सटीरियर लुक भाई आपको डेफिनेटली पसंद आने वाला है। इसका फ्रंट का फीचर भी दिखने में बढ़िया है और रियर से ये कार दिखने में थोड़ी सी कूल लगती है। इसके अंदर आपको 1.0 liter टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलने वाला है और ये कार लगभग 19 से लेकर 20 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे देती है। यहाँ पर एक बार फिर आपको मैं बताना चाहूंगा, माइलेज टोटली आपके चलाने के ऊपर डिपेंड करता है। आप किस तरह से गाड़ी को चलाते हो उसके ऊपर आपका माइलेज डिपेंड करता है। प्राइसिंग की अगर मैं बात करूं तो रेनॉल्ट काइगर की कीमत स्टार्ट होती है 5,99,000 रुपीज से और काइगर का टॉप मॉडल 10,62,000 रुपीज तक चला जाता है। 10 लाख के अंदर आप इसका RXZ AMT मॉडल परचेस कर सकते हो जिसको लेने के लिए आपको 9,96,000 रुपीज देने पड़ेंगे। जो फोर्थ और फिफ्थ नंबर की कार आती है जिनमें से एक कार को पिक कर सकते हैं वो है हुंडई की वेन्यू और दूसरी है किया की सोनेट। वेन्यू का फेसलिफ्ट मॉडल रिसेंटली इंडियन मार्केट में लॉन्च हुआ है, लेकिन सोनेट का फेसलिफ्ट मॉडल बहुत जल्दी लॉन्च हो जाएगा। वेन्यू काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है। वेन्यू का फ्रंट का फीचर चेंज हो चुका है और रियर का फीचर आपको कंप्लीटली नया देखने को मिल जाएगा। वेन्यू के इंटीरियर में भी काफी बड़े बदलाव करे हैं हुंडई कंपनी ने और इसका इंटीरियर आपको पहले के मुकाबले काफी नया देखने को मिल जाएगा। सोनेट भी काफी बढ़िया कार है, इसका लुक भी आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। हालांकि इसको अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिलता है इंडियन मार्केट में। दोनों ही कारों के अंदर आपको सेम इंजन स्पेसिफिकेशन मिलने वाला है और दोनों ही कारें 18 किलोमीटर पर लीटर से लेकर 20 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे देती है। आपको स्लाइटली डिफरेंस देखने को मिल जाएगा दोनों ही कारों के माइलेज के अंदर और प्राइसिंग के अंदर। तो इन दोनों में से एक कार को आप डेफिनेटली खरीद सकते हैं। मेरे हिसाब से हुंडई की वेन्यू आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन साबित हो सकती है।
जो 6th और 7th नंबर की कार आती है जो कि आपको एसयूवी सेगमेंट के अंदर सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली है वो है मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा और दूसरी है टोयोटा की हाईराइडर। लेकिन इन दोनों ही कारों को लेने के लिए आपको आपका बजट बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर आपको इन कारों के अंदर 28 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिलने वाला है। हाईराइडर और ग्रैंड विटारा के अंदर आपको माइल्ड हाइब्रिड और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का सिस्टम मिलने वाला है। माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम के साथ दोनों ही कारें लगभग 20 से लेकर 21 का माइलेज दे देती है और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ 27 से लेकर 28 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे देती है। तो अगर आपको ज्यादा माइलेज चाहिए एक एसयूवी कार के अंदर तो डेफिनेटली इनमें से एक कार को आप पिक कर सकते हैं। मैं ग्रैंड विटारा को रिकमेंड करना चाहूंगा। ग्रैंड विटारा का एक्स्ट्रा लुक दिखने में काफी बढ़िया है और इसके इंटीरियर में आपको अच्छा खासा कम्फर्ट मिल जाएगा। ग्रैंड विटारा के बेस मॉडल और टॉप मॉडल का रिव्यू ऑलरेडी मैंने करा है, लिंक आपको आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा टोयोटा हाईराइडर के टॉप मॉडल का रिव्यू ऑलरेडी आपको चैनल पर मिल जाएगा। तो इन दोनों में से एक कार को आप डेफिनेटली खरीद सकते हैं, लेकिन दोनों ही कारों को खरीदने के लिए आपको आपका बजट बढ़ाना पड़ेगा। दोनों ही कारों का हाइब्रिड मॉडल 15 लाख रुपए के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये 7 कारें थी जो कि एसयूवी सेगमेंट के अंदर आ जाती है और ये कारें पेट्रोल इंजन के साथ सबसे ज्यादा माइलेज दे देती है। ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जिनको आने वाले समय में एक अच्छी एसयूवी कार लेनी है। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना।